सफर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। तो बच्चों जमात जो है पांचवी वाले जो हैं आज हम आपका 12वां सबक जो है चालाक लोमड़ी, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा। कहते हैं कि जंगल के पास एक गांव आबाद था। रात को एक शेर जंगल से निकाल कर आता और गांव वालों को ये जानवर खा जाया करता था। क्या बता रहे कि जंगल के करीब क्या था, गांव था, तो और वहाँ क्या होता था, एक रात दिन ब दिन मतलब हर रोज़ क्या होता था, एक शेर निकल आता था और गांव वालों के जानवर को क्या कर लेता, खा लेता था। कभी कभी वो गांव के लोगों पर भी हमला कर दिया करता था। कौन? शेर। गाँव के लोग शेर से बहुत परेशान थे, इन्होंने शेर को ख़त्म करने का एक मंसूबा बनाया। अब क्या है, जब वो शेर जो उनको तंग करने लगा बार बार, रोज़ उनको रात को तंग करने लगा, कभी जानवर खाने लगा, कभी उन इंसानों को परेशान करने लगा, ठीक है, तो उनका हमला करने लगा। फिर क्या हुआ, एक दिन उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया कि हाँ जी हम इस शेर को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। सब ने पैसे इकट्ठा करके लोहे का एक पिंजरा बनवाया। किसने? उन लोगों ने। फिर क्या किया, और उसे जंगल के पास रख दिया। पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़कर इसके अंदर एक बकरी बांध दी। किसके? उस पिंजरे के अंदर। रात को शेर जब इधर से गुजरा तो इसने पिंजरे में बकरी बांधी हुई देखी, तो उसने क्या, वो लालच में आ गया और पिंजरे के अंदर घुस गया। शेर के अंदर घुसते ही पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अब शेर पिंजरे में फंस चुका था। अब क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक पिंजरा खरीदा, पिंजरे में क्या की, बकरी रखी, बकरी बांधी हुई थी। फिर जब शेर निकला तो शेर ने देखा यहाँ बकरी है, तो वो गया, लालच आ गई उसको, तो गया अंदर, तो ऑटोमेटिक वो दरवाजा बंद हो गया। किसका? उस पिंजरे का, ठीक है। कहते हैं कि शेर बार बार पिंजरे से निकलने के लिए हाथ पांव मारता और धड़ाता, मगर इसकी धाड़ सुनकर कोई भी इस तरफ नहीं जाता। शेर कई दिन तक भूखा प्यासा पिंजरे में पड़ा रहा। अब क्या बता रहे कि शेर जब वो फंस गया ना, तो बाहर कभी क्या करने लगा, कभी क्या, लेकिन वो बाहर उसको लोग जाने नहीं लगे। वहां पर कई दिन तक क्या होगा, शेर भूखा रहा। एक रोज एक मुसाफिर इस तरफ से गुजर रहा था, तभी इसे शेर की आवाज सुनाई दी। ए भले इंसान, मैं कई दिन से भूखा हूं, मैंने पानी भी नहीं पिया, तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दो। मुसाफिर ने हैरत से शेर देखा और बोला, अरे तुम जंगल के राजा इस पिंजरे में कैसे फंस गए? अब ये कौन बता रहा, वो मुसाफिर। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, कॉलेज के आगे हम पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।